मैं बलदेव सिंह पाटीदार, ग्राम पीपले तवक्कुल, विकासखंड नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़। हमारे इस बेर के बगीचे के अंदर मतलब करीब ये 2.5-2.25 बीघे के बीच में एरिया है और इसमें हमारे एप्पल बेर के 400 पौधे लगे हुए हैं और जो कि मतलब जो फल दे रहे हैं, यानी पौधा से पौधा है उसका जो है 12 फीट पे लगा है और लाइन से लाइन उसकी 14 फीट की दूरी है। हमारे इस बगीचे में जो हमने सिंचाई व्यवस्था की वो ड्रिप इरीगेशन द्वारा है, जो कि हमने उद्यान विभाग द्वारा ली है। उद्यान विभाग हमें इसके ऊपर 70% करीब सब्सिडी देते हैं और इस ड्रिप विधि का ये तरीका है कि इसमें पानी बहुत लिमिटेड लगता है, फसल में जो लाभ होता है इससे करीब 40% उत्पादन पर फर्क पड़ता है, उत्पादन अच्छा मिलता है ड्रिप विधि से, और पानी की कमी से जो अपनी बचत होती है पानी की उसका अपन उपयोग दूसरी खेती में भी कर सकते हैं। एप्पल बेर तो खैर हमने अभी 1 वर्ष के अंदर ही किया है, लेकिन इसके पहले हमारे पास सीताफल है हाइब्रिड में, अनार है हमारे पास, ये भी हम जो है ड्रिप विधि पे ही कर रहे हैं और इसमें भी पानी की समस्या कोई नहीं आती हमें और जैसा ड्रिप का वही तरीका है कि ड्रिप लगाने से क्वालिटी मेंटेन होती है और खरपतवार पर नियंत्रण रहता है। राइट है कि किसान जनरल परंपरागत खेती से हटके यदि अपनी खेती की कुल एरिया के करीब 20% या 25% में यदि हार्डी कल्चर फसलें लेता है तो अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। क्योंकि क्या है, मान लो साहब ऐसा अपन पूरी अपनी पूरी ज़मीन के पूरे रकबे में अपन ऐसा भी नहीं है कि उसको हार्डी कल्चर में चले जाएंगे, परंतु आधा या 30% अगर उसको अपनाएंगे तो अपनी परंपरागत खेती में भी इन्वेस्ट करेंगे, वो उससे ही आमदनी लेंगे और इससे भी साइड में ले सकते हैं, इससे ज़रूर अपनी आमदनी बढ़ेगी। हार्टिकल्चर में क्या है कि अपनी परंपरागत खेती से तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ले ही सकते हैं। अंदर मुख्य कीट होता है फल छेदक मक्खी, उसका अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बेर का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपने 10 किलो बेर भेजा मार्केट में और एक बेर भी अगर फल मक्खी से कटा हुआ पाया गया, अंदर से सड़ा हुआ निकला, तो मार्केट में आपके बोर की कीमत ख़त्म हो जाएगी। फिर एक भी निकलेगा तो ग्राहक खरीदने वाला सोचेगा कि यार इसमें और भी सड़े हो सकते हैं, वो खरीदेगा नहीं, यानी आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। फल छेदक कीट कभी आना ही नहीं चाहिए, इसके लिए हर 10-15 दिन के अंदर स्प्रे होना कंपलसरी होता है। रोगोर है, मेलाथियन है या कॉन्फिडोर है, ऐसी कोई भी दवा अपन ले सकते हैं। पत्ती खाने वाले कीट भी आते हैं इसके अंदर, इसका इसमें डाउनी भी आती है, पाउडरी आती है, जिसका समय समय पर अति आवश्यक कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा पक्षियों का समस्या भारी है, रात को रात वाले जानवर आते हैं, सियार आते हैं, आपको देख रहे हो पूरी जाली से कंट्रोल करना पड़ा। रात को सियार आते हैं, पूरा एक फल खाएंगे और 10 फल गिराएंगे, वो भी जरूरी है, मतलब बाहर से उसको जाली से पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे सरसों मेरा नाम लोकेश पाटीदार है और मैं गांव पीपलिया तवक्कुल जिला राजगढ़ का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आरएके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की। इसके बाद एमएससी के लिए मैं जबलपुर गया और वहाँ पे जेएनके वीवी से मैंने एमएससी एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर विषय से डिग्री प्राप्त की है। चूँकि मेरा रुझान हमेशा से खेती की तरफ ही था, मैंने सोचा कुछ नया किया जाए, इसलिए मैंने किसी भी प्रकार की कोई सर्विस नहीं की और हार्टिकल्चर में इंटरेस्ट होने के लिए, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी इसी की और मैं चाहता था कुछ ऐसा करूं ताकि क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, नया हो,
ताकि वो भी कुछ सीखे और हमारा ज़िला जो कि काफ़ी बैकवर्ड की गिनती में आता है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम खेती में तो इसका नाम ऊँचा हो। और 2008 में मेरे आने के बाद मैंने सीताफल, अनार और ये लास्ट ईयर एक साल पहले मैंने बेर की फसल लगाई। तो अनार मेरा अभी फ्लावरिंग स्टेज में है, 2 साल का पेड़ है और उम्मीद करता हूँ कि वैसे अपने यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन इन्वर्स है, विपरीत, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि उसको भी अच्छे से करूँ और लगभग मैं सक्सेस प्राप्त करने की ओर ही हूँ और अभी फूल आ रहे हैं। मेरा मानना है कि मई जून तक मैं काफ़ी अच्छी फसल ले लूँगा इसकी। एप्पल बेर मेरा चल ही रहा है और हालांकि खेती में कोई मास्टर नहीं होता, ये तो सीख सीख के की जा सकती है क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये पूर्णतः प्राकृतिक है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज पूरी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। एप्पल बेर 1 साल का हुआ है, इसको मैं पूरी तरह सीख रहा हूँ, हालांकि अगले साल मैं इसको और अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा। मैं SR चौधरी, उप परियोजना संचालक आत्मा, किसान कल्याण कृषि विकास जिला राजगढ़ से पदस्थ हूँ और आज आपके एप्पल बेर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी कि वो करीब 1 वर्ष से जो बलदेव सिंह पाटीदार खेती कर रहे हैं वो इस ज़िले के लिए एक आदति है, बहुत है, ज़िले के अंदर पहला स्थान है। मेरा नाम कमलेश इटावदे है, मैं विकासखंड राजगढ़ में विषय वस्तु विशेषज्ञ आत्मा में पदस्थ हूँ और हमें इस पीपलिया तवक्कुल में हमें कृषि विभाग के परियोजना संचालक साहब द्वारा जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एप्पल बेर की खेती होती है और ये बहुत गौरवान्वित बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में राजगढ़ जहाँ पर सबसे सूखा और पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ये एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को सीख दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप अपनी परंपरागत खेती कृषि जिसमें आप गेहूं, चना, सोयाबीन की परंपरागत खेती करते आ रहे हैं उनसे उभर के अपनी उद्यान की फसलों का रकबा भी बढ़ाएं, जिससे जो भारत में आयात होते हैं दूसरे फल सब्जियां उनमें हम घटोत्तरा कर सकें। और मैं अपने सभी किसान भाइयों से यह निवेदन करता हूँ कि वह सभी कृषि विभाग आत्मा परियोजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में और सभी राज्यों में चलाई जा रही है, आत्मा परियोजना में हम किसान भाइयों से आमने सामने जुड़ते हैं और उसमें नई नई योजनाओं और नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं जिससे कि वो अपनी फसलों के साथ अधिक उत्पादन कैसे लें और खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाएं, जैविक खेती कैसे करें। इन तकनीकों की जानकारी हम समय समय पर किसान चौपाल लगाते हैं, कृषक समाई की चर्चा करते हैं और भ्रमण ले जाते हैं जिससे हमारे राज्य के किसान कुछ बाहरी चीज़ों को देखें और उनसे अच्छा सीख सकें। इसीलिए मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि वह इनमें आगे बढ़ के भाग लें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर खेती को लाभ का धंधा बनाएं। धन्यवाद।